बड़ी खबर आ रही राजस्थान से। यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के पशुपालन विभाग में बड़े पैमानों पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में अब जल्द ही पशुपालन विभाग में 5,934 पदों पर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक पशुपालन विभाग में प्रचलित वाटरमैन, क्लीनर और शेफर्ड के पदों के नाम अब एनिमल अटेंडेंट कर दिया गया है। साथ ही इनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई है। फिलहाल गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5,281 रिक्तियों और अनुसूचित क्षेत्र में 653 पदों सहित कुल 5,934 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पशु चिकित्सा संस्थानों में पहुंचने वाले बीमार और घायल पशुओं को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक।